यह है क्योंकि जो पुराने पेंशन का लाभ जो है। इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली से जानकार सूत्रों से मिली अहम जानकारी, राजस्थान के नए सीएम होंगे अशोक गहलोत, संशय है इसमें सचिन पायलट रखेंगे अशोक गहलोत का नाम। दिल्ली से सूत्रों से जानकारी मिल रही है राजस्थान के नए सीएम हो सकते हैं अशोक गहलोत, बताया जा रहा है सचिन पायलट रखेंगे अशोक गहलोत का नाम। सीपी जोशी और बीडी कल्ला इसका अनुमोदन करेंगे, आज शाम 4:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके करेंगे ऐलान। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर, राजस्थान के नए सीएम होंगे अशोक गहलोत, सचिन पायलट रखेंगे अशोक गहलोत का नाम, सीपी जोशी और बीडी कल्ला करेंगे अनुमोदन, आज शाम 4:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ऐलान करेंगे। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर, जानकार सूत्रों से अहम जानकारी मिल रही है कि राजस्थान के नए सीएम अशोक गहलोत होंगे, सचिन पायलट अशोक गहलोत का नाम का ऐलान करेंगे, सीपी जोशी और बीडी कल्ला अनुमोदन करेंगे, आज शाम 4:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके करेंगे ऐलान। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, राजस्थान के नए सीएम होंगे अशोक गहलोत, जानकारी आ रही है सचिन पायलट रखेंगे अशोक गहलोत का नाम, सीपी जोशी और बीडी कल्ला करेंगे अनुमोदन, आज शाम 4:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके करेंगे ऐलान। यह जानकारी सूत्रों से मिल रही है कि राजस्थान के नए सीएम अशोक गहलोत होंगे, सचिन पायलट अशोक गहलोत का नाम रखेंगे, वहीं सीपी जोशी और बीडी कल्ला करेंगे अनुमोदन, आज शाम 4:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ऐलान किया जाएगा। बैठक के बाद राहुल गांधी ने किया फोटो ट्वीट, आप फोटो में देख पा रहे हैं अशोक गहलोत, राहुल गांधी और सचिन पायलट तीनों को ट्विटर के माध्यम से कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक फोटो ट्वीट की है। वहीं सूत्रों से यह जानकारी आ रही है कि राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत होंगे, सचिन पायलट इनका नाम रखेंगे, सीपी जोशी और बीडी कल्ला अनुमोदन करेंगे। ये जानकारी सूत्रों से मिल रही है, हम आपको बता दें जानकारी सूत्रों से मिल रही है कि राजस्थान के नए सीएम अशोक गहलोत होंगे, सचिन पायलट रखेंगे अशोक गहलोत का नाम, सीपी जोशी और बीडी कल्ला करेंगे अनुमोदन, आज शाम 4:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके किया जाएगा ऐलान। बैठक के बाद राहुल गांधी ने ट्विटर से फोटो ट्वीट किया जिसमें अशोक गहलोत, सचिन पायलट और राहुल गांधी मुस्कुराते हुए नजर आ रहे हैं, आप टेलीविजन स्क्रीन पर उस ट्वीट को देख पा रहे हैं और उस फोटो को भी देख पा रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है जहां सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि राजस्थान के नए सीएम अशोक गहलोत होंगे, सचिन पायलट अशोक गहलोत का नाम रखेंगे, वहीं 4:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ऐलान किया जाएगा, सीपी जोशी और बीडी कल्ला अनुमोदन करेंगे। आप उस तस्वीर को टेलीविजन स्क्रीन पर देख पा रहे हैं जिसमें कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पीसीसी चीफ सचिन पायलट नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी ने अपने ट्विटर से इसे ट्वीट किया है इस फोटो को। इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली से जहां सूत्रों से अहम जानकारी मिल रही है कि राजस्थान के नए सीएम अशोक गहलोत होंगे, सूत्रों से यह जानकारी मिल रही है कि सचिन पायलट अशोक गहलोत का नाम रखेंगे, सीपी जोशी और बीडी कल्ला करेंगे अनुमोदन, वहीं आज शाम 4:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे चीफ एडिटर प्रवीण दत्ता जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रवीण जी, ट्वीट किया गया है, एक तरफ ट्वीट किया गया है, वहीं सूत्रों से जानकारी आ रही है, क्या कुछ पूरा है मामला? अनुराग, देखिए राहुल गांधी ने देर से सही लेकिन एक दुरुस्त संदेश दिया है जी। उन्होंने ट्वीट करके लिखा है द यूनाइटेड कलर्स ऑफ राजस्थान। उन्होंने कांग्रेस से ऊपर बढ़कर बात की है, उन्होंने राजस्थान की एकता का संदेश दिया है, खुद की तस्वीर के साथ अशोक गहलोत और सचिन पायलट की तस्वीर ट्वीट की है और तीनों मुस्कुराते हुए दिखाई दे रहे हैं उसमें। अगर वो चाहते तो यूनाइटेड कलर्स ऑफ कांग्रेस लिख सकते थे जी, लेकिन उन्होंने लिखा द यूनाइटेड कलर्स ऑफ राजस्थान। यानी कि पिछले 36 घंटों 48 घंटों से जो विमर्श था वो राजस्थान की जनता को एकता का संदेश देने का था जी। और अब कुछ ही देर में औपचारिक ऐलान होगा जैसा कि हमारे सूत्र बता रहे, और संभावना यह है कि विधायक दल की बैठक में
सचिन पायलट अशोक गहलोत के नाम का प्रस्ताव रखेंगे जी, बीडी कल्ला सीपी जोशी जैसे वरिष्ठ नेता अनुमोदन करेंगे जी, और उसके बाद अशोक गहलोत विधायक दल के नेता चुन लिए जाएंगे। अनुराग जी, प्रवीण जी, आपको नहीं लगता कि काफी लंबा समय, बिल्कुल सही कहा आपने कि वो बिल्कुल कांग्रेस भी लिख सकते थे पर उन्होंने राजस्थान लिखा है और एक जो एकता का संदेश दिया है, पर काफी एक लंबा समय नहीं लग गया? देखिए, जो लोग राजनीति कांग्रेस की नहीं समझते वो इसे लंबा समय कह रहे हैं जी, और असल में सिर्फ कांग्रेस की क्यों, अगर आप देखें तो भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश का सीएम हफ्ते भर में तय किया था जी, महाराष्ट्र का सीएम तय करने में लगभग 10 दिन लगे थे, 9 दिन लगे थे, कांग्रेस राजस्थान में अपने सीएम बनाने में 7-7 दिन पहले ले चुकी है जी। तो ये बेवजह जो 24 घंटे खबरिया चैनलों के दौर में ये न्यूज चैनल की उम्मीद करना कि हमारे हिसाब से पार्टीज अपने डिक्लेरेशन करें या निर्णय लें, तो बेजा बात है जी। प्रवीण जी, कांग्रेस ने अपने समय लिया और अब निर्णय जब हुआ तो वो सबके सामने आ रहा है। जी प्रवीण जी, मान लिया कि 7 दिन लगे थे उत्तर प्रदेश के अंदर, पर जब पल पल का अपडेट हो, लोग इंतजार कर रहे हो, तो वो एक एक मिनट भी घंटों की तरह बीतता है, उस तरीके से ऐसा महसूस हो रहा था लोगों को भी कि एक लंबा समय कहीं ना कहीं कांग्रेस ने ले लिया। पर जहां तक है, आज शाम 4:30 बजे तक कॉन्फ्रेंस की जाएगी, तमाम जानकारी के लिए प्रवीण जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इस वक्त की बड़ी खबर आप देख रहे हैं, दिल्ली से सूत्रों से जानकारी मिली है कि राजस्थान के नए सीएम होंगे अशोक गहलोत।